राष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है, टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। हाल फिलहाल हम प्रेस को पीसीसी में खड़े हैं, जहां पे मेरे साथ राजस्थान कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुनील चतुर्वेदी मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या किसका प्रोग्राम रहने वाला। सबसे पहले तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, युवा यूथ कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो पहुँच रहे हैं हलवारिया जी। क्या पूरा मामला है, किस प्रकार का कार्यक्रम रहने वाला है ये? देखिए, युवा कांग्रेस का अपना कार्यक्रम है, उसके प्रभारी हैं वो लेंगे। यहाँ आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्क्रीनिंग कमेटी की जो हमारे चेयरपर्सन है सांसद रजनी पाटिल जी, और उसके अलावा जो सदस्य हैं प्रगट सिंह जी और कृष्णा लवरू जी, और ये लोग आज कार्यकर्ताओं से फीडबैक रहे हैं। जिलावार जो है हमारे प्रमुख कांग्रेस जन हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं या प्रत्याशी रहे हैं, वो सब लोग आ रहे हैं। हमारे जो संगठन के सदस्य हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, वो आएंगे और एक ग्राउंड रियलिटी बताते हुए फीडबैक देंगे, जिसके आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव में किसको टिकट देना है, किसको प्रत्याशी बनाया जा सकता है, कौन उचित रहेगा, किस तरह से जीत सकते हैं, जब ये स्ट्रैटेजी बनेगी तो आज की बैठक में लिया गया फीडबैक निर्णायक भूमिका निभाएगा। टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, क्या पूरा प्रोसेस है, क्या कांग्रेस ने उनको रणनीति है आगे की कि टीकाराम जूली को बनाया जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमने, आपने देखा होगा कि राजस्थान में सभी काम करने वालों को मौका मिलता है, ठीक है। आज की ज़रूरत के हिसाब से एक बड़े कहना चाहिए सक्रिय हमारे सदस्य हैं, जो ग्रास रूट से उठ कर के आज इस पोजीशन तक पहुंचे हैं, तो कांग्रेस में बहुत उत्साह है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पर दोबारा विश्वास जताते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पुनः आला कमान ने दी है, तो ये दोनों ही नेताओं के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव और उसके आगे तक हम जो है संगठन जनता के लिए लड़ने का, जनता के हित में कार्य करने का कार्य जो है वो हम संपन्न करेंगे, और निश्चित रूप से कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। जो कमियां थोड़ी बहुत रह गई इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत छोटे मार्जिन से हम सरकार बनाने से रह गए, वो दूर करेंगे। अब कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व में सोनिया गांधी द्वारा राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करने को लेकर कांग्रेस पार्टी के ही प्रमोद कृष्णम नेता जो हैं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने सलाह दी है कि एक बार वापस विचार विमर्श करना चाहिए। देश भर में सनातन धर्म के जो वाह के मार्गदर्शक हैं हमारे शंकराचार्य, उनसे ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। उन्होंने इस समारोह को का बहिष्कार किया है, इसलिए किया है कि वैदिक रीति या धार्मिक रिवाजों के अनुसार ये कार्यक्रम नहीं हो रहा। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, राम मंदिर और भगवान राम में हमारी आस्था है, और आस्था है हम जब जाएंगे जाएंगे, ना तो हमें कोई जाने से रोक सकता, ना कोई ये कहेगा कि हम बुलाएं तभी आओ। जब ऐसा काम होता है तो वो राजनीति होती है। राजनीतिक कार्यक्रम मैं भगवान राम को लेकर के राजनीति करे वो हम स्वीकार नहीं करते। हम धर्म की राजनीति से अलग, आस्था है हमारी, हमारे नेता जा रहे हैं, लगातार जाएंगे, सब लोग जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे और भगवान के बीच में खड़े होकर के ये कहे कि अब आओ और अब ना आओ, ये स्वीकार्य नहीं है। प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस नेता, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आप केंद्रीय नेतृत्व को कहा, कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व को कहा है कि आप दोबारा विचार करें। केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय किया है वो हम सब जो लाइन लिए हम उस पर हैं। मैं और किसी नेता ने क्या कहा उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज़ तय है कि आज तो जो हमारे पूजनीय शंकराचार्य हैं, जो हजारों वर्ष से सनातन धर्म की व्याख्या करके और हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, आज उनको कोई गलत अगर ठहराने का काम करे या बोले तो मैं इस चीज़ को उचित नहीं मानता। हम उनके मार्गदर्शन में चलते हैं और चलेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे यह था कि कांग्रेस से लगातार ये कह रही है कि अधूरे अभी निर्माण नहीं हुआ राम मंदिर का, उसके पहले ही आप बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उद्घाटन करने का फैसला लिया है, तो कहाँ तक सही है ये बताएं? देखिए, हमारे देश के सभी धर्मगुरु शंकराचार्य जी, पूजनीय शंकराचार्य, सब यही बात तो कह रहे हैं कि ये विधि विधान के विरुद्ध है। जब मंदिर अधूरा है तो ऐसी क्या जल्दी है, जल्दी सिर्फ इतनी सी है कि चुनाव आ रहे हैं, अधूरी लोकसभा आपने उद्घाटन किया, अधूरा मंदिर आप जा रहे हैं, तो ये चीज़ सिर्फ राजनीति के लिए हो रही है, इसलिए राजनीति का हिस्सा हमें नहीं बनना। धर्म हमारा है, राम हमारे हैं, और हमारे राम के बीच में कोई हमें ये बताने नहीं आ सकता कि आप अब ये करें और वो करें। हम अपनी आस्था के अनुसार जो पूजा पाठ करते हैं, भगवान राम के शरण में जाते हैं, वो हम जाएंगे, लेकिन राजनीतिक दल हमें इस जो है इसके लिए बताएगा नहीं कि कब क्या करें। ये थे सुनील चतुर्वेदी, जिन्होंने साफ कर दिया है मीडिया
देखते हैं मीडिया के प्रभारी हैं, कांग्रेस मीडिया प्रभारी ये हैं प्रदेश के, उन्होंने साफ कर दिया है कि राजनीति जो बीजेपी कर रही है राम मंदिर निर्माण को लेकर, उद्घाटन को लेकर, वो कहीं ना कहीं नहीं करनी चाहिए उनको। बीजेपी ये सोच रही है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसलिए अधूरे निर्माण को ही, निर्माण पूरा हुआ भी नहीं राम मंदिर का, उससे पहले ही उसको उद्घाटन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बीजेपी को सलाह दी है कि आप राजनीति नहीं करें, राम मंदिर में सबकी आस्था, करोड़ों देशवासियों की आस्था और जो मंदिर में बनी हुई है वो कहीं ना कहीं आघात न हो। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।